जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल से ही समझ गए होंगे, रेलवे के जो नियम हैं उन नियमों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा और हर जोन में लगभग ये सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो रेलवे के जो नियम हैं उनका पालन सख्ती से करना शुरू कर दीजिए, वरना जुर्माने के तौर पर मोटी रकम आपको देनी पड़ सकती है। फिलहाल कौन कौन से नियम हैं, कहां कहां पर कितना कितना जुर्माना वसूला जा रहा है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आप रेलवे के जो जोन होते हैं उनकी ट्विटर हैंडल पर या फिर न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पर चले जाइए, बस खाली आप वहां पर ये लिख दीजिए कि रेलवे ने अभी तक रेल यात्रियों से जुर्माने के तौर पर कितना पैसा वसूला है, तो बहुत सारे यानी कि लगभग लाखों यात्रियों से करोड़ों के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये गलत है, फिलहाल बहुत से लोगों के लिए गलत भी हो सकता है, लेकिन रेलवे अपने नियमों को सख्ती से पालन करवा रहा है। इसके जो कुछ मीडिया अपडेट्स हैं उसको मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, जिसको आप देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों क्या है नियम जिनको आपको पालन करना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो आपसे दुगना जुर्माना वसूला जा सकता है, आप जहां तक भी जा रहे होंगे। अगर आपके पास जनरल क्लास का वेटिंग वाला टिकट है तभी भी अगर आप पकड़े गए तो आपसे जितने का आपका किराया होगा उतना जुर्माना वसूला जा सकता है, लेकिन आपके पास टिकट विंडो वाला होना चाहिए यानी कि रिजर्वेशन खिड़की वाला। अगर आपका ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट है तो भैया आपको दुगना जुर्माना देना पड़ेगा जहां से आप ट्रेन में चढ़े थे या फिर जितने का आपका टिकट का किराया था उतना। और ये जो आपको जुर्माना देना पड़ता है इसकी एक रसीद भी मिलती है रेलवे अधिकारियों के द्वारा, वो आपको लेनी पड़ेगी। आप जितना भी पैसा देंगे उसका अमाउंट वहाँ पर लिखा हुआ होगा। फिलहाल दोस्तों वेटिंग लिस्ट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ये थोड़ी सी बुरी खबर है। अगर आप ट्रेन में बिना टिकट या फिर वेटिंग लिस्ट पर यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे जुर्माना वसूला जाए। अगर आपका टिकट कंफर्म है, आरएसी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास में, चाहे जनरल हो, स्लीपर हो, एसी हो, उसमें अगर आप वेटिंग लिस्ट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे जुर्माना वसूला जाए। कुछ लोगों को छोड़ भी दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों अगर आप देखें तो अधिकतर जितने भी जोन हैं वहाँ पर चेकिंग अभियान चल रहा है और लाखों यात्रियों से करोड़ों रुपये वसूले जा रहे हैं। और अगर आप बिना मास्क के ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कुछ जगहों पर, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पर वैसे ही जुर्माना वसूला जा रहा है जो लोग बिना मास्क के टहलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को कोरोना के नए वेरिएंट से जोड़ के मत देखिएगा, उसके बारे में ये अपडेट नहीं है। ये वीडियो केवल उस टॉपिक पर है जो लोग बिना टिकट या फिर जानबूझ के गलती करते हैं उन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे द्वारा हर जोन से कितना कितना पैसा वसूला जा रहा है। फिलहाल दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था। अगर आप रेलवे के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।